एक गांव में झुमरी नाम की स्त्री अपने अपाहिज पति वसंत और 10 वर्षीय पुत्री कल्लो के साथ रहा करती थी। झुमरी बेहद गरीब थी। वो और उसका पति निर्मला के ढाबे पर खाना बनाने का काम करते थे। निर्मला एक बेहद क्रूर स्वभाव की महिला थी। एक दिन गांव का मुखिया निर्मला के ढाबे पर भोजन करने के लिए आया। निर्मला, ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? अरे मुखिया जी, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे जा रहे हो? अरे तुम तो यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। ये क्यों नहीं कहते मुखिया जी कि तुम्हारी नजरें झुमरी को तलाश रही थीं? अरे नहीं निर्मला, ऐसी कोई बात नहीं, झुमरी से तो बस हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं। काहे को मजाक करते हो उस नास पीटी झुमरी से, वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। ऐसी कोई बात नहीं है निर्मला, बात असल में ये है कि कभी झुमरी ने मुझे गौर से देखा नहीं है। जिस दिन मुझे गौर से देख लेगी, उस दिन मेरे अलावा किसी और की तरफ वो देखेगी भी नहीं। मुखिया जी थोड़ी तो शर्म कीजिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि आप बूढ़े हो गए हैं? अरे कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? गाँव के हट्टे कट्टे 8-10 नौजवान एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, इस गरीब के ढाबे पर कैसे आना हुआ? अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो ढाबा है ये, और मुझे तुम्हारे ढाबे की बनी हुई आलू की सब्जी और देसी घी के बने हुए आलू के पराठे रोज खींच लाते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते कि आप रोज रोज आलू के पराठे खाने के बहाने सिर्फ झुमरी को देखने के लिए आते हैं? निर्मला जी, ये मुखिया ढाबे पर भोजन करने नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देखने के लिए आता है। आप मुखिया को ढाबे पर आने के लिए मना क्यों नहीं कर देती? तेरा दिमाग तो ठीक है बसंत, मैं अपने ग्राहकों को भला आने से क्यों मना करूंगी? मुखिया मेरा ग्राहक है, मुखिया से मुझे महीने की अच्छी आमदनी होती है। लेकिन आप उससे इतना तो बोल ही सकती है ना कि वो मेरी पत्नी को उल्टी सीधी नजरों से देखना बंद करे। अरे तुझे अपनी पत्नी की अगर इतनी ही चिंता रहती है तो फिर उसको घर पर रख और घर के अंदर बंद करके रख, क्यों काम करवाता है उससे? मजबूरी है निर्मला जी, आप तो जानती ही हैं, मैं अपाहिज हूँ और मेरी एक 10 वर्षीय बेटी भी है। ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती लंगड़े कि तू लंगड़ा है, अपाहिज है? अरे तू 2 वक्त की रोटी भी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं खिला सकता, लेकिन अकड़ तुझ में अंबानी से भी ज्यादा है। लेकिन निर्मला जी, इससे ज्यादा मैं तेरी बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती बसंत। अगर तू यहाँ 2 सेकंड और रुका तो तुझे और तेरी पत्नी झुमरी को धक्के देकर ढाबे से बाहर निकाल दूंगी। संपत और कपटा, तुम्हारी गंदी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अबे तो तू क्या कर लेगा बे लंगड़े हैं बे? वैसे भी तुझसे कुछ होता तो है नहीं, हम तो तेरी मदद करना चाह रहे हैं। संपत भैया सही बोल रहे हैं बसंत, मुखिया जी इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, धन की कोई कमी नहीं है उनके पास। मैं कहता हूँ मुखिया जी की बात मान ले, वो तेरी पत्नी झुमरी को रानी बनाकर रखेंगे रानी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? लो भाई कर लो बात है, बोल तो ऐसे रहे जैसे कि गांव का नया थानेदार यही है। अबे लंगड़ा है तो सिर्फ एक लंगड़ा है, समझा? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता बे? संपत भैया सही बोल रहे बसंत, लोग धरती पर बोझ होते हैं बोझ, पर तू तो अपनी पत्नी के ऊपर बोझ है। और मैं तो तुझे एक सलाह देता हूँ बे बसंत, और इससे सबका भला हो जाएगा, समझा? तेरी पत्नी का भी और तेरी बेटी कल्लो का भी। अभी जाकर किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जा तू। संपत भैया सही बोल रहे बसंत, जब तू नहीं रहेगा तो झुमरी को मुखिया की बात माननी पड़ेगी। झुमरी जब मुखिया की बात मान लेगी तो मुखिया हमें माला माल कर देगा। देख तेरे मरने से कितने लोगों को फायदा होगा, लेकिन तू है कि मरता ही नहीं। और देख झुमरी, किसी को पता भी नहीं लगेगा, और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, ज्यादातर शादीशुदा औरतों के ही दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलते हैं। तुम दोनों
बातों को शर्म नहीं आती इतनी घटिया बातें करते हुए, और वो भी मेरे पति के सामने। मुखिया से जाकर साफ साफ कह दो, झुमरी गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं है। क्या हुआ संपत और कपटा, झुमरी माने कि नहीं मानी? हमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया मुखिया जी, लेकिन वो नहीं मानी। संपत भैया सही बोल रहे मुखिया जी, हमने झुमरी को बहुत समझाने का प्रयास किया। मेरे ख्याल से जब तक उसका पति बसंत जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो पाएगा। इस लंगड़े को भी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे मैं उसकी पत्नी से सिर्फ दो चार प्यार की बातें ही तो करना चाहता हूँ, और उसके बदले उसे ढेर सारे रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका लंगड़ा पति मेरी बात मानता ही नहीं। अरे आप तो बहुत धनवान हो मुखिया जी, अगर आप कहो तो मैं बसंत को रास्ते से हटवा देता हूँ। संपत भैया सही बोल रहे, वैसे भी लंगड़ा किसी काम का तो है नहीं, चलती हुई बस के सामने फेंक देंगे, बोल देंगे लंगड़ा रोड पार कर रहा था और बस की टक्कर से उसकी मौत हो गई। ए, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? तुम दोनों इस उम्र में मुझे हथकड़ियां पहनवाना चाहते हो? अरे तो फिर आप ही बताओ हम क्या करें। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जरूर काम करेगा। चलो मेरे साथ। क्या बात है मुखिया जी, सुबह तो पराठे खा कर गए थे, क्या बात है फिर से भूख लगने लगी? निर्मला पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कल तुम झुमरी और उसके पति को काम से निकाल दो, और मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि झुमरी और उसके पति बसंत को काम ना दिया जाए। अरे मुखिया जी सिर्फ आप झुमरी की बात करिए, वो बसंत तो लंगड़ा है, उसे कौन काम देगा? संपत भैया सही बोल रहे हैं। मुखिया जी मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि झुमरी मेरे ढाबे पर खाना बनाती है, उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन ग्राहकों को बहुत पसंद है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शहर से किसी 5-स्टार होटल में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को लगवा दूंगा, और उसके पैसे भी मैं दूंगा, तुम्हारा ढाबा और ज्यादा चलने लगेगा। तो फिर समझिए आपका काम हो गया। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, मैंने शहर के 5-स्टार होटल से खाना बनाने वाले को बुलवाया है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं हम दोनों आपके ढाबे पर काम करते हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। अरे तो क्या मैंने तुम्हारी रोजी रोटी का ठेका ले रखा है? मेरी मर्जी, निकलो यहाँ से। ठीक है तो फिर हम दोनों की 1 महीने की पगार दे दीजिए, हम चले जाते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है झुमरी, कौन सी पगार मांग रही हो? दिन भर तो तू कोई काम धंधा करती नहीं थी, मुंह उठाए बस नैन मटक्का करती रहती थी, और तेरा लंगड़ा पति वो तो सिवाय कुर्सी तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? बड़ी सती सावित्री बनती फिरती है, मेरा मुँह मत खुलवा, अगर बोलना शुरू करूंगी तो तेरे कानों से धुआं निकलने लगेगा। निर्मला ने बसंत और झुमरी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो दोनों बेचारे रोते हुए घर पर गए तो उन दोनों को अपने घर के बाहर उनकी बेटी कल्लो रोते हुए मिली। क्या हुआ बेटी कल्लो, तुम रो क्यों रही हो और बाहर क्या कर रही हो? मकान मालिक ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया और सामान भी फेंक दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने 1 महीने से किराया नहीं दिया। अगर आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम किराया दे देंगे। तुम दोनों कहीं भी जाकर मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तुमसे अब कोई किराया विराया नहीं चाहिए, क्योंकि ये मकान मैंने मुखिया को बेच दिया है। अभी भी वक्त है झुमरी, मेरी बात को मान ले। नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी इस बेटी का तो ख्याल कर। संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेटी का नहीं तो कम से कम अपने लंगड़े पति का ही ख्याल कर ले। झुमरी तुझे और तेरे पति को गांव में कहीं भी अब काम नहीं मिलेगा,
तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बात मान ले। इतना बोलकर मुखिया संपत और कपटा के साथ मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बेचारी झुमरी अपने परिवार को लेकर गांव-गांव भटकती रही, मगर किसी ने भी झुमरी की मदद नहीं की। अंत में झुमरी थक हार कर जंगलों की ओर चली गई। भूख की वजह से अचानक उसकी बेटी कल्लू को चक्कर आ गया। क्या हुआ मेरी बेटी? लगता है ये भूख की वजह से बेहोश हो गई है। क्या बात है, इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? मेरी बेटी वहां बेहोश हो गई है, मेरी मदद कीजिए। वह बूढ़ी औरत बेहद दयालु थी। वह उन सबको अपने घर के अंदर ले आई। भूख की वजह से बिटिया को चक्कर आ गए होंगे, चिंता मत करो, कुछ देर बाद इसको होश आ जाएगा। तुम तीनों रात में इस जंगल में क्या कर रहे थे? झुमरी ने रोते हुए सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बताई। किसी जवान स्त्री का पति अगर अपाहिज हो तो ये दुनिया उसे चैन से नहीं रहने देती। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों आज से मेरे ही साथ रहो, मेरी कोई संतान नहीं है। लेकिन आप जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? गांव में क्यों नहीं रहती? क्या आपका परिवार नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मेरा पूरा परिवार है, लेकिन वो सब अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए। उनके जाने के बाद मुझे ये दुनिया वीरान लगने लगी, इसलिए मैंने जंगलों में ही अपना घर बना लिया। अब तुम सब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ढाबे पर भोजन बनाने का काम करती थी ना? जी। तो तुम अपना ढाबा खुद क्यों नहीं खोल लेती? कैसे खोल सकती हूँ, मेरे पति अपाहिज है और मेरे पास इतने पैसे नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, गांव में मेरी कुछ जमीन पड़ी हुई है, तुम वहाँ पर अपना ढाबा खोल लेना। तुम अपने ढाबे में बांस पकौड़े बनाना। बांस पकौड़े? लेकिन ये कैसे संभव है, भला बांस को कैसे खा सकते हैं? हाँ, काफी सालों पहले मैं विदेश में रहा करती थी और उन दिनों मेरे पति को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन हम दोनों पति पत्नी जंगल में भटक गए, तब वहाँ के कुछ आदिवासियों ने हमारी मदद की। उन्होंने ही हमें बांस पकोड़ा बनाने की रेसिपी सिखाई। यकीन मानो, अगर तुम उस रेसिपी से बांस पकोड़ा बनाकर अपने ढाबे में बेचोगी तो तुम देखना, देखते ही देखते तुम्हारा ढाबा हर जगह मशहूर हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को गांव में एक जमीन दे दी। झुमरी बसंत और उसकी बेटी कल्लो मेहनत से एक ढाबा बनाकर तैयार कर दिए। झुमरी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें बांस पकौड़े कैसे बनाने हैं। गांव के छोटी पहाड़ी के पास जो जंगल है, जहां पर हमेशा कोहरा छाया रहता है, तुम वहां से बांस उठाकर ले आओ, वो बांस खाने के होते हैं। झुमरी ने ऐसा ही किया, अपनी बेटी कल्लो और बसंत के साथ वह ढेर सारे बांस वहां से उठा लाई। उस बूढ़ी औरत ने झुमरी को रेसिपी बताना शुरू किया। कुछ ही देर में बांस पकौड़े बनकर तैयार हो गए। तभी झुमरी के ढाबे के पास एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक शहरी व्यक्ति निकलकर झुमरी से बोला, अरे तुम्हारे पास पानी की बोतल है क्या? जी भैया, मिल जाएगी। ये कौन सी डिश है, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भैया जी, बांस पकौड़े हैं। बांस पकौड़े? भला ये कौन सी डिश है? भैया बहुत अच्छी है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। एक प्लेट लगाओ। झुमरी ने एक प्लेट उस व्यक्ति को लगा दी। उस व्यक्ति को बांस पकौड़े इतने पसंद आए कि उसने ढेर सारे पैक भी करवा लिए। यहाँ तक कि उसने सोशल मीडिया पर भी झुमरी का फोटो बांस पकौड़े की प्लेट के साथ अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में झुमरी के ढाबे पर शहर के लोगों की भीड़ लगने लगी। झुमरी का फोटो रोज रोज न्यूज़पेपर में छपने लगा। मुखिया क्रोधित होकर निर्मला के ढाबे पर संपत और कपटा के साथ बैठा हुआ था। मैंने झुमरी को ये सोचकर इस ढाबे से निकलवाया था कि वो मजबूर होकर मेरे पास आ जाएगी, मगर उसके तो यहाँ से जाते वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना नुकसान भी कर दिया मुखिया, सारे लोग पागल हो गए हैं, जिसे देखो वो झुमरी के बांस पकौड़े की तारीफ करता रहता है। अब झुमरी की तरफ देखना भी मत मुखिया जी,
झुमरी अब झुमरी नहीं रही जो एक असहाय औरत हुआ करती थी। आज की तारीख में उसके पास 6 लग्जरी कारें हैं। जंगल में एक वीआईपी बंगला बनाकर वो उसमें बेहद टाइट सिक्योरिटी के साथ रहती है। संपत भैया बिल्कुल सही बोल रहे मुखिया जी, कहीं गलती से अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। लगता है झुमरी के अमीर बनते ही तुम दोनों ने तो अपना पाला ही बदल लिया। झुमरी अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मैं आज रात ही झुमरी और उसके परिवार को मार दूंगा। ऐसी गलती मत करना मुखिया जी, अब उसके ढाबे पर कमिश्नर वगैरह भी आते रहते हैं। संपत भैया बिल्कुल सही कह रहे मुखिया जी, पुलिस डंडों से मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देंगी। अब तुम्हारी औकात झुमरी के सामने 2 कौड़ी की भी नहीं रही। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो झुमरी तुम्हें कुत्ता बना देगी, कुत्ता, और हमेशा तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा डालकर अपने ढाबे के पास बांध देगी। इसकी नौबत नहीं आएगी संपत और कपटा। ये क्या है? जहर। आज रात मैं किसी भी तरह से उसे उसके परिवार सहित जहर देकर मार दूंगा। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी ढाबे से 3-4 लोग उठकर खड़े हो गए। उनके हाथ में पिस्तौल थी। यह देखकर मुखिया संपत और कपटा बेहद घबरा गए। उनमें से एक व्यक्ति मुखिया की ओर देखकर बोला, मैं जिले का SSP अभिमन्यु हूँ। कुछ दिन पहले झुमरी ने मुख्यमंत्री को तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी थी। हम तब से तुम्हारी निगरानी कर रहे थे और आज हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम तीनों की जगह बाहर नहीं बल्कि जेल में है। ले जाइए इन्हें। आप नहीं जानते ये मुखिया झुमरी पर बुरी नजर रखता था। तुम तो औरत के नाम पर कलंक हो निर्मला, तुम्हारी सजा भी जेल ही है। तुम भी इन तीनों के साथ जेल में चक्की पिसोगी। अगर मैं इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो आज ये मुखिया अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते SSP, अभी तक मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था मुखिया। तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द तुम्हारे चेहरे समेत कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं, जो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने के लिए काफी है। SSP ने मुखिया संपत कपटा और निर्मला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। झुमरी आज भी बांस के पकौड़े का ढाबा चलाती है और उसके बनाए हुए बांस के पकौड़े सबको बहुत पसंद।